कुमार, आप देख रहे हैं कलंजल टाइम्स और मैं पटना से लगातार 272 किलोमीटर की दूरी पर हूँ और यह विधानसभा बिहारीगंज है। हमारे बीच प्रत्याशी हैं, जाके प्रत्याशी प्रोफेसर प्रभास इंजीनियर साहब। नमस्कार, आपका स्वागत है कलंजल टाइम्स में। क्या लगता है कि ये लड़ाई 30 साल बनाम 30 साल क्या लगता है? देखिए, बीते 30 साल बनाम 3 साल हमारा इसलिए एजेंडा है, बीते 15 साल लालू जी का शासन रहा, नीतीश कुमार जी का ये 15 साल, और लोग यहाँ जात धर्म मजहब में बंट करके आपस में टुकड़े टुकड़े में लोगों को बांट दिया। समाज में बेमनस्ता फैली, कोई काम नहीं हुआ, लोग जात पात के नाम पर वोट देना शुरू किए और उसको हम लोग अंत करना चाहते हैं। क्या लगता है कि 30 साल बनाम की राजनीति का 30 साल में आप उसको समझ लेंगे? नहीं, हमारा जो संकल्प पत्र है उसको लेकर के हम लोग सीरियस हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे, और इस खास करके इस इलाके में जो लोग बड़े नेता दिल्ली और पटना में बैठ करके जात पात की राजनीति को बढ़ावा दिया और समाज में को तोड़ने का प्रयास किया, उसको हम लोग एकजुट करने के प्रयास करेंगे। क्या नहीं लगता कि जो वर्तमान विधायक हैं एक प्रकार से कटाक्ष कर रहे हैं कि दूर से रह करके यहाँ के लोगों की राजनीति की जा रही है, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, वर्तमान विधायक के पास कोई न विजन है, न आइडिया है, न उनको मालूम है कि MLA हम क्यों बनते हैं, MLA का क्या कार्य होता है, MLA क्यों बनते हैं लोग। MLA का काम है समाज का निर्माण, विकास, सड़क, पुल, पुलिया के बाद समाज का निर्माण भी, समाज को एकजुट करके एक रास्ते पर ले जा करके एक प्लेटफॉर्म पर लाना भी राजनीति है। और उसी और ये लोग राजनीति को केवल बांध दिए हैं जात पात में कि हमको जात का वोट मिल जाएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे, हमको बड़े नेताओं का आशीर्वाद है उससे चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बिहारीगंज की जनता ने तय कर लिया है कि हम एक ऐसा विकल्प देंगे जो लोग देखते रह जाएंगे पटना दिल्ली में बैठने वाले लोग। इंजीनियर से आप राजनीति के सफर कर रहे हैं? इंजीनियरिंग में पढ़ा और अपने कारोबार को चलाते हुए बीते 15 वर्षों से मैं सारा चीज़ छोड़ करके राजनीति में हूँ, लोगों के बीच समाज को एकजुट करने का प्रयास करता रहा हूँ। उसी का परिणाम है आज मैं जाप से खड़ा हूँ और यहाँ सारे जात धर्म के लोग सब चीज़ से ऊपर उठकर हमको मदद कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। इसका परिणाम है कि आप जहाँ हैं, ये कभी 90% यहाँ के लोग जनता दलियों को वोट दिया करते थे, लेकिन आज यहाँ 95% लोग यहाँ के हम लोगों के साथ हैं, आप उसके बीच बैठे हुए। क्या लगता है कि 5 सालों लगातार RJD जदयू के पाले में रहा यह राज्य लगभग साम्राज्य, ऐसे में विकास की जो बात है, विकास की कसीदे जो गढ़ी गई है इस विधानसभा में, क्या लगता है कि अब तक क्या विकास? देखिए, विकास के कंसेप्ट पर वोट ही नहीं हुआ इससे, इसलिए वो जो भी MLA हुए वो विकास को प्राथमिकता नहीं दी, वो केवल ये सोचे कि हम MLA बने हैं, हमको सुख मौज करना है, अपने धन इकट्ठा करना है, अपना काम करना है और लोगों को बांट करके हमको राजनीति करना है। उसका परिणाम है कि आज जो वर्तमान विधायक है उसके खिलाफ में जनमानस है, आम लोग हैं, आम मतदाता है, और उनको मुझे नहीं लगता है कि वोट देंगे यहाँ के। क्या लगता है आप चुनाव जीत करके सदन पहुँचेंगे तो इस विधानसभा के लिए सौगात क्या होगा? इस विधानसभा के लिए मेरा सौगात होगा कि हम इस विधानसभा को जात पात के बंधन से मुक्त करेंगे, इस समाज में शैक्षणिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, मानसिक विकास, सारे विकास के जो पैमाने हैं उस पर हम इस विधानसभा को लेकर चलेंगे। क्या प्रश्न, क्या देखा है आपने इंजीनियर से, पढ़ाई लिखाई दिल्ली से लेकर की है और अपने यहाँ राजनीति के मुद्दे हैं, यहाँ के लोगों का अनुभव क्या देखा है आपने, क्या डिमांड है? दुनिया का इतिहास है आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कि भारत में जो परिवर्तन लाए वो पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पत्रकार, ये तमाम लोग राजनीति में आए थे, आज़ादी की लड़ाई भी लड़े, आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई भी किए, और चूंकि ये बड़े नेता पढ़े लिखे लोगों को आगे जाना देना नहीं चाहते, इन तमाम लोग परिवार में फंस गए। आज आपको मालूम है कि यहाँ शरद यादव की बेटी क्यों चुनाव लड़ रही है, चूँकि लोगों को जो लोगों ने जो जात पात का बंधन बना करके राजनीति किया है उसी का परिणाम है कि वो दिल्ली से यहाँ आकर के चुनाव लड़ रही है, और हम चूँकि यहाँ पढ़े लिखे लोगों को ये लोग आगे बढ़ाना नहीं चाहते, हमें रोका गया, 15 में भी साजिश करके इन लोगों ने हमें रोका, उनको लगता है कि मधेपुरा समाजवाद की धरती है, यहाँ एक से एक लोग हुए और वो लोग परिवर्तन की वो दिशा दिए बिहार को, देश को, लेकिन आज ये लोग यहाँ कुंडली मार करके बैठ गए हैं, और यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं जब तक राजनीति नहीं आएंगे, आप जो विकास की बात हो, समाज की में को बदलने की बात हो या परिवर्तन की बात हो, उनको दिशा देने की बात हो, वो नहीं सुन पाते। इसलिए मैंने सोचा
कि मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई और मेरा काम वो हमको परिवार को काम देगा, लेकिन अगर इसको हम समाज के बीच लगाएंगे तो हम समाज का बेहतर निर्माण कर सकेंगे। तो आपने देखा कि ये बिहारीगंज विधानसभा के में जाति समीकरण में ये बिल्कुल फंसा हुआ, उन्होंने ये भी बात लोगों के राय है कि लगातार यहाँ जदयू और आरजेडी के पाले में यह बना साम्राज्य है वो इसे निकल पाया, इन्हें जात पात को लेकर के इस चंगुल में ही फंसा रहा है और इस क्षेत्र का विकास की जो है वो धरी के धरी रह गई है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय कुमार।